गुड आफ्टरनून आप सबको. और हम एज ए जीएस ऑफ अपूना ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड नर्सेस एसोसिएशन का ना उसका तरफ से आया. हम लोग आज एक्चुअली यहाँ पे सेक्रेटरीट पे आया हुआ था एंड यहाँ पे आज आने का हम लोग मोटिव यही था कि हम लोग जो जो सर लोग को हम लोग को स्पेशल सेक्रेटरी जो था ना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला, उसको हम लोग ने एक टाइम पीरियड दिया था कि 7 डेज का हम लोग को 7 डेज का टाइम पीरियड दिया था कि तब तक हम लोग को जो हम लोग का मतलब रिगार्डिंग हम लोग का ऑन गोइंग जो इश्यूज़ है ना कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम एंड जो सेंट्रलाइज मोड पे एग्ज़ाम होना है तो रिकंडक्ट होना है बोल के उसके लिए हम लोग जो उसको टाइम पीरियड दिया था तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग अपडेट लेने के लिए आया था. तो हम लोग उसको 4 तारीख तक तो टाइम पीरियड दिया था लेकिन 4 तारीख तो ख़त्म हो गया. 4 सितंबर तक हम लोग दिया था लेकिन 4 सितंबर को देने ख़त्म होने के था हम लोग 5 तारीख तक वेट किया था एक्चुअली ना कि सर लोग का आउटकम कुछ आएगा होगा, हम लोग कुछ तो नोटिस देगा होगा. बट सर लोग कुछ नोटिस नहीं दिया हम लोग को 5 तारीख तक ना. तो कल 6 तारीख और आज 7 तारीख, आज 2 दिन हम लोग यहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी का यहाँ पे हम लोग सेक्रेटरीट पे मतलब आया था. बट आने के बाद में भी सर को नहीं मिल पा रहा है और पता भी नहीं कि सर कब आएगा. उसका जो पीए जो बता रही कि सर कब तक आएगा नहीं पता ना. तो अभी तक हम लोग को इतना डिले कर रहा है, हम लोग को मतलब 3 डेज का तो डिले कर ही दिया, हम लोग को जवाब नहीं दे रहा ना. तो उसी के लिए हम लोग आया था कि आउटकम क्या है बोल के. तो आप लोग का जो बाकी का आंसर्स है आपका ये हम लोग का स्पोक पर्सन अपूना का वो बता देगा आप लोग को. एक्चुअली हम लोग हाँ हम लोग का डिमांड तो वही था कि हम लोग का रिकंडक्ट कराना ही है बोल के. तो वही है कि हम लोग उसी का रिस्पॉन्स के लिए रुक रहे ना. और अभी तक तो रेस्पॉन्स आज भी हम लोग हम दोनों मतलब एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग का रेस्पॉन्सिबल बनता है कि हम लोग को अपडेट लेना ना. तो हम लोग वही कर रहे हैं और कल भी यहाँ पे आया था आज भी आया है. वो लोग मतलब कि ऑफिसर्स लोग यहाँ पे है ही नहीं ना. और हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग मतलब कि क्या को रुक रहे हैं. हम लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा एविडेंस तो उन लोग का सामने ही खोल दिया ना और अभी वो लोग क्या को ढूंढ रहे हैं, मतलब कि इन्वेस्टिगेट ही क्या कर रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है. उन लोग को तो एक्चुअली अभी ठीक है वो लोग मीटिंग्स कंडक्ट करके आपस में डायरेक्टली वो लोग को रेस्पॉन्स हम लोग को आउटकम्स दिखाना चाहिए था कि आउटकम्स ये है करके दिखाना है. अभी तक हम लोग को ये रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसीलिए हम लोग अभी भी यहाँ पे उसी उन लोग का ही रेस्पॉन्स के लिए यहाँ पे हम लोग आना जाना कर रहे हैं. वो तो अभी तक नहीं दिया है हम लोग को. सिर्फ अभी तक का हम लोग का सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग सिर्फ एक नोटिस दिया था कि अपॉइंटमेंट को होल्ड करके रखेगा. उसका अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कि ना ही उन लोग का तरफ से कुछ अभी नोटिफाई कर रहे और ना ही कुछ हम लोग को बता रहे कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो हम लोग भी उन लोग का मतलब कि स्टेप को मालूम नहीं है ना. तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे आ रहे पूछताछ करने के लिए पर वो लोग कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पे है ही नहीं. हम इनका नाम जो एक्चुअली ना लिस्ट से हट गया है, पता नहीं उन लोग का टाइपिंग मिस्टेक है ना. इसको इसी का रिगार्डिंग भी हम लोग लास्ट टाइम ना ब्रीफिंग में हम लोग मेंशन किया था पर उसको भी रेस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक ना. सर लोग कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे दिया था कि इस कमिंग का नाम को तो इस कमिंग के एवरी डिस्ट्रिक्ट जो 3 डिस्ट्रिक्ट था ना जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो लोग का तो हम लोग ओवरऑल हम लोग पूरा कंप्लेंट्स जो था ना विद एप्लीकेशन एंड जो डिस्ट्रिक्ट से जो कंप्लेंट्स आया था उसको हम लोग साथ में तो देने में हम लोग का तरफ से दे दिया है. अभी जो टाइपिंग एरर था वो शायद ये लोग का सर लोग का तरफ से हुआ है ना, कहाँ से हुआ वो भी उसका, लेकिन उसका रिगार्डिंग में हम लोग भी वो लोग को अपडेट मतलब हम लोग बताया था कि सर आप लोग इस कमिंग का नाम क्यों मेंशन नहीं है बोल के. अभी उसका रिगार्डिंग में फर्दर अपडेट जो है लेना है हम लोग तो लेना है लेकिन अभी सर लोग नहीं दे रहे. अभी वही उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी वो लोग क्या अपडेट देगा आगे. रीजंस अभी पता नहीं सर लोग क्या मतलब कुछ अच्छा आउटकम के लिए है या कुछ उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं क्या, हमको नहीं हम लोग को तो नहीं पता ना. बट हम लोग तो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग तो वही चाहते हैं कि हम लोग को जल्दी, हम लोग तो टाइम पीरियड भी 1 वीक तो बहुत मोर देन इनफ टाइम होता है एक चीज़ को. इतना माल प्रैक्टिस हुआ है वो चीज़ को तो सब देखा है जाना है, हर कोई विटनेस किया ना. एवरी जो जो ये जो कैंडिडेट्स था वो लोग तो विटनेस किया है. तो अभी वो चीज़ को इतना हम लोग एविडेंस का साथ दिया है तो हमको तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम पीरियड का ज़रूरी है. हमने 1 वीक जो जो सर लोग को दिया है वो भी एक तरफ से बोलने से तो इनफ टाइम है. तो अभी तक तो हम लोग को अपडेट दे देना चाहिए था एक्चुअली ना. पर हम लोग भी अभी सर लोग को नहीं मिल पा रहा है इसीलिए हम लोग भी मतलब बहुत मजबूरी में, मतलब अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा. हम लोग जस्ट वेट ही कर सकते हैं अभी. और अभी हम लोग सर लोग को सकने से और हम लोग 3-4 दिन और विजिट करके देखेगा सर लोग कब तक आएगा ना. विजिट करके एक बार आउटकम जैसे भी हो उसको हम लोग जानने के लिए ट्राई करेगा अपना तरफ से.